एसएम इन्फोटेक का और एक प्रेस न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा यूट्यूब हर एक वीक नए नए अपडेट्स लाता रहता है। अगर आप लोग यूट्यूबर हो या यूट्यूब से अपना करियर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आज की इस वीडियो आप लोग जरूर देखना। आज की इस वीडियो में मैं यूट्यूब का 5 बड़े अपडेट के बारे में बात करूंगा और लास्ट में एक बोनस अपडेट भी रहेगा जिस अपडेट को आपको जानना चाहिए अगर आप लोग यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हो या ऑलरेडी एक यूट्यूबर हो। तो आइए शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या अपडेट्स है। कोई भी अपडेट को स्किप मत करना क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अपडेट्स है यूट्यूब का। दोस्तों YouTube का पहला अपडेट है सब्सक्राइबर हाइट को लेके। दोस्तों जो यूट्यूबर्स नए नए चैनल को क्रिएट करते हैं लोग अपना सब्सक्राइबर्स को हाइट करके रखते हैं। उनके मन में एक सोच है कि अगर मेरा सब्सक्राइबर कम है तो दूसरा कोई व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, इस वजह से वो लोग सब्सक्राइबर को हाइट करके रखते हैं। उनका ये सोच कुछ हद तक तो सही है। और ये जो सब्सक्राइबर हाइट का फीचर है ना YouTube अब से रिमूव कर रहा है। अब से आप लोग चाहकर भी अपने चैनल का सब्सक्राइबर्स को हाइड नहीं कर सकते, व्यूअर्स को ये शो होगा ही होगा। YouTube का ये मानना है बहुत सारे जन इस फीचर्स को यूज करके बुरे काम कर रहे हैं YouTube पर, इसलिए वो ये फीचर्स को लाया है। अगर आप लोग नए यूट्यूबर हो, आप लोग सोच रहे हो सब्सक्राइबर हाइड नहीं करेंगे तो मेरे चैनल ग्रो नहीं करेगा, कोई सब्सक्राइब ही नहीं करेगा मुझको, तो आपका ये सोच गलत है। दोस्तों अगर आप लोग अच्छे तरीके से कंटेंट क्रिएट करोगे, अपने 100% यूट्यूब में लगाओगे और अपने ऑडियंस के साथ लॉयलिटी मेंटेन करके रखोगे ना, तो आपका सब्सक्राइबर जरूर इंक्रीज होगा, चिंता की कोई बात नहीं। दोस्तों दूसरा जो अपडेट है यूट्यूब चैनल नेम को लेके। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने चैनल के नेम के साथ साथ कोई सिंबल्स दे देता है, स्पेशल कैरेक्टर्स दे देता है, इमोजीज दे देता है या वेरिफिकेशन का एक टिक दे देता है। अब से वो लोग ये नहीं कर पाएंगे, सिर्फ लेटर्स ही हम लोग चैनल का नेम पे दे पाएंगे और कुछ लिमिटेड टाइम्स तक ही हम लोग हमारा चैनल का नेम को चेंज कर सकेंगे। जैसे कि आपको पता है 90 डेज में हम लोग 3 times ही चैनल का नेम चेंज कर सकते थे। अब उसके साथ साथ कुछ ऐसा अपडेट आएगा, आप लोग आपका चैनल का नेम मान लीजिए 2 से 3 ही मैक्सिमम चेंज कर सकते हो। एक कॉन्फर्मेशन नहीं है कि कितने बार चेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ अपडेट आएगा यूट्यूब के तरफ से, एक खबर है। दोस्तों तीसरा जो अपडेट है वो है कमेंट को लेके। बहुत सारे व्यूअर्स क्या करते थे, ट्रेंडिंग वीडियोज में जाते थे या पॉपुलर्स वीडियो में जाते थे और उनके कमेंट में अपने प्रमोशन के लिए स्पैम करते थे, कोई भी मलेशियस लिंक को पेस्ट कर देते थे कि इसमें जाओ ऐसे डिस्काउंट रहेगा, ऐसे आप लोग कैश जीत सकते हो, इस टाइप का कुछ करते थे। अगर आप लोग चाहते हो कोई सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स आपके वीडियोज के कमेंट बॉक्स में ऐसा कुछ ना करे तो आपको कमेंट का जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हाई करना है। वो आप लोग कैसे करोगे, उसको करने के लिए आप लोग आपका यूट्यूब का कमेंट्स में जा सकते हो, जाके उस फीचर्स को इनेबल कर सकते हो। इसको करने से क्या होगा, कोई आपका वीडियो का कमेंट में स्पैम करते हैं या मालेशियस कोई लिंक को पेस्ट करते हैं, कोई भी कोड को पेस्ट करते हैं, तो क्या होगा वो कमेंट ऑटोमेटिकली यूट्यूब का रिव्यू में चला जाएगा एंड आपको भी शो होगा कि आप अप्रूव करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, बढ़ते हैं चौथा जो सबसे बड़ा अपडेट है उसके बारे में। दोस्तों वो है कम्युनिटी टैब को लेके। दोस्तों सबसे जो बड़ा अपडेट कम्युनिटी टैब को लेके, कम्युनिटी टैब में बहुत ही बड़ा चेंजेस आने वाला है। आप लोग जो पोस्ट को करते हो कम्युनिटी टैब में वो आप लोग मिनिमम 24 से लेके मैक्सिमम 72 के लिए पोस्ट कर सकते हो, मतलब आपका पोस्ट एक टाइम पे एक्सपायर हो जाएगा। आप लोग मिनिमम 24 में सेट कर सकते हो, मैक्सिमम 72 पे सेट कर सकते हो। यूट्यूब का मानना ये है कि अगर कम्युनिटी टैब का पोस्ट एक्सपायर हो गए तो आपका व्यूअर्स आपका सब्सक्राइबर्स ज़्यादातर ज़्यादा उसको शेयर करेंगे और उस पोस्ट का रीच भी बढ़ेगा। तो देखते हैं ये फीचर्स काम करता है या नहीं। वैसे यूट्यूब ने जापान में इसको टेस्ट किया था तो वहाँ पर सक्सेसफुल भी हुआ था। तो आप कॉमेंट में बताइए क्या इंडिया में ये सक्सेसफुल हो सकता है। समझ रहे हो आप। अब बात करते हैं आखिरी और 5th अपडेट के बारे में एंड उसके बाद भी एक अपडेट रहेगा बोनस अपडेट, वो भी कमाल का होगा। तो 5th अपडेट उनके लिए है जो लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स का मेंबरशिप को परचेस तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास परचेस करने का पैसा नहीं है, उनके लिए ये अपडेट बहुत ही कमाल का होने वाला है। दोस्तों अब से आप लोग आपका चैनल का कोई भी व्यूअर्स को मेंबरशिप गिफ्टिंग कर सकते हो। अगर आपका चैनल मोनिटाइज्ड है तो आपको पता है आपका चैनल का व्यूअर्स आपका चैनल का मेंबरशिप को परचेस कर सकते हैं। वैसे में जिन व्यूअर्स आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है मेंबरशिप परचेस करने के लिए, उनको आप लोग मेंबरशिप गिफ्टिंग कर सकते हो। आपको मेंबरशिप को पे करके परचेस करना पड़ेगा। लाइव स्ट्रीम के दौरान आप लोग आपका सब्सक्राइबर्स को मेंबरशिप को गिफ्ट कर सकते हो और आपका दूसरा कोई मेंबर भी आपका सब्सक्राइबर्स को ये मेंबरशिप गिफ्ट कर सकता है।
यूट्यूब का ये मानना है कि इससे लोगों को मेंबरशिप परचेस करने का जो इच्छा रहता है वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो लोग एक बार मेंबरशिप का बेनिफिट्स उठा पाए तो वो इसके आदत में फंस जाएगा और उनको मेंबरशिप अच्छा भी लगेगा और मेंबरशिप को वो लोग परचेस भी करेगा। तो आप बात करते हैं दोस्तों बोनस जो अपडेट वो है कस्टम थंबनेल के बारे में। अब से क्या होगा, आप लोग आपका मेन जो यूट्यूब ऐप जिससे आप लोग यूट्यूब का वीडियोज को वॉच करते हो या आप लोग आपका यूट्यूब वीडियो को अपलोड करते हो ना, उस यूट्यूब ऐप से ही आप लोग आपका चैनल का जो वीडियोज है उनमें कस्टम थंबनेल को ऐड कर सकते हो। दोस्तों इन 6 अपडेट में से आपको कौन सा अच्छा लगा, आपका इस बारे में क्या राय है, आप लोग कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको इस टाइप का यूट्यूब्स का अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।